श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके स्टेटमेंट पर यह संसद उस बहस को आगे बढ़ा रही है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के बाद देश के अंदर उत्पन्न हुई है। सच में संपूर्ण घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो यूपीए सरकार की पूर्ण विफलता को यह घटनाक्रम प्रदर्शित करता है। कोई संदेह नहीं इसमें कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। सिविल सोसाइटी को आज अगर जन समर्थन में ला है तो उस जन समर्थन के पीछे इस सरकार की विफलता है। धन्यवाद, शांत हो जाएं, बोलने दें। और अगर आरएसएस भी है, धन्यवाद, अगर आरएसएस भी है तो यह इस बात को साबित करता है कि आरएसएस के साथ जन समर्थन है। सभापति महोदय, इस देश के ज्वलंत मुद्दों को, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार का हो, आतंकवाद या नक्सलवाद का हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का हो, इन सब मुद्दों को डाइल्यूट करके एक जन लोकपाल पर केंद्रित करने की जो एक साजिश हुई, कहीं ना कहीं उस साजिश के पीछे सरकार थी। लेकिन आज यह सरकार अपने ही जाल में फंस करके शीर्षासन की स्थिति में आ खड़ी हुई है और इसलिए इस सदन के सामने गुहार कर रही है। महोदय, इस सरकार के कल के उस कृत्य को जो श्री अन्ना हजारे जी और उनके सहयोगियों को जिस प्रकार से इसने अवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया था और तिहाड़ जेल में भेजा था, उसका मैं जब समझता हूं कि कोई भी लोकतंत्र समर्थक, कोई व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता है, उसकी निंदा करता है। और इसलिए इस सरकार की उस कृत्य की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को हम एक सिरे से खारिज करते हैं। महोदय, सिविल सोसाइटी को समर्थन के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा। यह सरकार अपने कृत्यों से तो आम जनता का विश्वास खो ही चुकी है, लेकिन इसने देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी अविश्वास के घेरे में ला खड़ा किया है। आज जो बाहर आम जनता के द्वारा इस संसद के ऊपर, देश की न्यायपालिका के ऊपर, देश की कार्यपालिका के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, वे अचानक नहीं उठाए जा रहे हैं। यह लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार है, लोकतंत्र को रौंदना चाहती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है सहमति और असहमति, दोनों के लिए जहां पर स्थान हो वही लोकतंत्र है। लेकिन यह असहमति जहां पर इस सरकार की हां में हां, जो नहीं कहेगा उसको लाठी और गोली के बल पर दफन कर देना चाहती है, उसको कुचल देना चाहती है। हम लोगों ने पिछले इस वर्ष के घटित तमाम घटनाओं के माध्यम से ये बात प्रदर्शित होती है। बाबा रामदेव जी के साथ जो इन्होंने किया था कौन नहीं जानता है। बाबा रामदेव जी के साथ इन लोगों ने गंगा रक्षा के एक अभियान को किस प्रकार से उसे इस देश के सामाजिक संगठनों से उसे हाईजैक किया था, और पहले बाबा रामदेव जी को उसके माध्यम से इन्होंने खूब हाईलाइट किया, आगे बढ़ाया। बाबा रामदेव जी ने जब देश में जमा काले धन को वापस लाने की वकालत की और उसको लेकर के सरकार को ज्ञापन दिए, हस्ताक्षर अभियान चलाए, देश के अंदर लगभग 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा की, जनसभाएं किए, व्यापक जन जागरण के अभियान चलाए, और सरकार को बताने के बाद जब रामलला मैदान में अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया, इस सरकार की सहमति से किया था, सरकार ने परमिशन दिया था, सरकार के मंत्री उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए गए थे, कौन नहीं जानता है। लेकिन उसके बाद जो दुर्व्यवहार उनके साथ किया था, अगर जो व्यवहार पुलिस कर रही थी, अगर वही उसी
प्रकार का व्यवहार वहां पर आए हुए समर्थक करते तो क्या स्थिति इस देश के सामने होती है? सरकार क्या मुंह दिखाती देश और दुनिया के सामने? क्या मुंह दिखाने के लायक होती? लेकिन इस सरकार ने लोकतंत्र को कुचल करके इस देश की संविधान प्रदत्त उन मौलिक अधिकारों को भी कुचलने का प्रयास किया तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस देश के संविधान ने दिया है उस मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इस सरकार ने कुचलने का प्रयास किया था। और 4 जून की रात्रि को बाबा रामदेव जी के साथ और उनके समर्थकों के साथ जो व्यवहार किया था उसे भी किसी ने स्वीकार नहीं किया था। और उसके बाद तो फिर यह उन सब घटनाओं के आदि हो चुकी है। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के दिन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार जंतर मंतर पर किया था इन लोगों ने, पुलिस ने किया था। सरकार हर मुद्दे से मुकरने का प्रयास कर रही है कि हमारा कोई मतलब नहीं। क्या पुलिस इस देश को संचालित करेगी? आखिर अगर पुलिस को आपने इतनी स्वतंत्रता दी तो पुलिस मॉडर्न पुलिस लॉ को लागू करने में फिर क्या आपको दिक्कतें हैं? क्यों नहीं इसको लागू करते हैं? एक तरफ पुलिस के आधुनिकीकरण की बात नहीं करेंगे, मॉडर्न पुलिस लॉ को लागू करने की बात नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ अपने स्वार्थों के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए पुलिस का दुरुपयोग भी करोगे। और पुलिस का दुरुपयोग करने के बाद जब बात हाथ से निकलेगी तो फिर उस मामले को पुलिस के हाथों में डाल करके केवल पुलिस को बदनाम करके उस पुलिस को अविश्वास का प्रतीक बनाना चाहते हैं, जो पुलिस इस देश की रक्षा का दायित्व निभा, जिस पुलिस को आंतरिक सुरक्षा और देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है और जिसको जनता के मित्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, उसे स्वयं अविश्वास के प्रतीक के रूप में सरकार प्रस्तुत करना चाहती है। और सरकार का यह कृत्य अत्यंत ही निंदनीय है। महोदय, आज जन लोकपाल की बात और इस सरकार पर अविश्वास की बात अचानक नहीं हुई है। लोग जानते हैं सरकार के लोकपाल बिल पर आज सिविल सोसाइटी को या देश की आम जनता को विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि लोग जानते हैं किसी सरकार ने सीवीसी की नियुक्ति भी की थी। सीवीसी की नियुक्ति में जिस प्रकार की धांधली हुई थी, जिस प्रकार के दागदार छवि के व्यक्ति को वहां बिठा दिया गया था, लोग जानते हैं या सरकार अगर लोकपाल बनाएगी तो इस सरकार की उस कृत्य में भी कोई शरारत जरूर छुपी होगी। और इसीलिए उस शरारत को दरकिनार करने के लिए, शरारत को हटाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से जन लोकपाल के बिल को यहां पर प्रस्तुत करने की मांग हो रही है। बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग भी सहमत नहीं है, जन लोकपाल के बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग सहमत नहीं है। हमने कहा लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों के लिए बराबर का स्थान है, लेकिन ये मान लेना कि हम लोग जो कुछ सिविल सोसाइटी देगी हम उसको स्वीकार करेंगे, यह कतई संभव नहीं, होना भी नहीं चाहिए, संसद की सर्वोच्चता है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि लोकतंत्र के जो 3 आधार हैं, लालू जी ने अभी अपने भाषण में यहां पर कहा भी और हम उनकी बातों से सहमति भी व्यक्त करते हैं। यद्यपि लालू जी के मुंह से भ्रष्टाचार और मुझे बहुत अच्छा लगा जब लालू जी इस पर यहां पर अपनी बातों को कर रहे थे और जब उन्होंने लोकतंत्र की बात की, क्योंकि व्यवहारिक व्यक्ति हैं इसलिए उन्होंने उस बातों को कहा कि इस देश में लोकतंत्र के 3 ही आधार हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका का प्रतीक इस संसद है, न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट है और कार्यपालिका का प्रधानमंत्री है। क्या लोकतंत्र के इन तीनों प्रतीकों को क्या आप किसी एक ऐसे दोस्त को कोई लोकतंत्र के इतर किसी ऐसी व्यवस्था के हवाले गिरवी रखेंगे कि जो अपने तरीके से पूरी व्यवस्था को ब्लैकमेल करता रहे, क्या उसके हवाले हम करेंगे? यह हमारी सहमति और असहमति का प्रश्न हो सकता है, लेकिन क्या सहमति और असहमति के बीच क्या यह संभव है कि सहमति और असहमति के बीच हम किसी की मौलिक स्वतंत्रता को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उछल करके रख देंगे? यह कतई संभव नहीं। और इसलिए इस सरकार के इस कृत्य को जिसने लगातार किया है, 4 जून को किया, 9 अगस्त को किया, 16 अगस्त को किया, जो कृत्य सरकार लगातार करती जा रही है, उन कृत्यों की हम लोग यहां पर निंदा करते हैं। अब समाप्त करें। महोदय, यह सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, कोई संदेह नहीं, अब इसमें कोई संदेह रहा ही नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस प्रकार से धांधली हुई वो सबने देखा है, और मुझे लगता है कि केक की रिपोर्ट यद्यपि खारिज कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली के अंदर देख करके, आप पिछली बार दिल्ली के अंदर एक तरफ कॉमनवेल्थ के गेम्स हो रहे थे, दूसरी तरफ डेंगू यहां के लोगों को निगल रही थी,
यहाँ के लोगों को जिस प्रकार से डेंगू की चपेट में पूरी दिल्ली आई थी वह किसी से नहीं छुपा हुआ, तमाम अन्य बीमारियों की चपेट में आई थी उससे छुपा नहीं है। डकैती कोई और डाल रहा था और मर्द दिल्ली के लोग रहे थे, और फिर दिल्ली के अंदर जो कुछ की स्थिति पैदा हुई उसके बाद इस सरकार का जो व्यवहार था वह भी किसी से नहीं छुपा हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स का हो, कुछ स्पेक्ट्रम का हो, इसके अलावा अभी आने वाले समय में केजी वैक्सीन का एक नया महाघोटाला सामने आने वाला है, और भी एयर इंडिया का है ही, एयर इंडिया का पूरा इंडिया को ही इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आदर्श सोसाइटी तमाम घोटालों की सरकार है, और इसलिए इस सरकार के इस भ्रष्टाचार को देख करके ही आम जनता में गुस्सा है। आम जनता के उस गुस्से को इस सरकार समझे, आम जनता की इन भावनाओं को समझे। और मैं तो यूपीए सरकार और खासतौर से कांग्रेस पार्टी से कहूंगा इस बारे में कि कांग्रेस पार्टी दुनिया के अंदर हो रहे परिवर्तन को भी समझने का प्रयास करे। और परिवर्तन यद्यपि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, लोकतंत्र और मजबूत होगा, लेकिन दुनिया के इन परिवर्तनों को समझ करके तानाशाही और निरंकुश रवैया अपनाने से बाज आए। हम इस सरकार को एक बार पुनः चेतावनी देना चाहेंगे कि पुलिस का दुरुपयोग करके यह संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से कुचल देना चाहती है, लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों के व्यक्ति को जिस प्रकार से कुचलना चाहती है, उसको ये रोके। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो लगातार इसके द्वारा प्रहार किया जा रहा है, बाबा रामदेव का मामला हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर किया गया प्रहार हो, चाहे कल अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों पर कुमारी मीनाक्षी नटराजन हो, इन सब मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस सरकार के इन सभी कृत्यों की जांच की जानी चाहिए कि कौन सी बाहरी ताकत है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को इस सरकार को कुचलने के लिए बाध्य कर रही है। कुमारी मीनाक्षी नटराजन, धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं, आपने इस महत्वपूर्ण बहस में मुझे भी अपने बात रखने का, अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया। माननीय, मैं पहली बार की सांसद हूं और मैं आपको कहना चाहती हूं कि पिछले दो वर्षों में लगभग हर महत्वपूर्ण बहस के मौके पर